चेक करो गाइस दोस्तों, ये चेक करें रोमन सिटी का वॉल, ओल्ड रोमन सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन इजराइल बिफोर जीसस क्राइस्ट गाइस। वॉल चेक करें, इतना मस्त तरीके से लगाया ना पत्थर का। हाय, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो दोस्तों, आज है मेरा डे टू और मैंने जो 30 दिन का चैलेंज रखा है उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सार 24 व्लॉग्स। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर राखाली राय और मैं बिलोंग करता हूँ इंडिया, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग से। तो आप लोगों को मालूम है मैं फ़िलहाल इसराइल में हूँ, एज अ केयर गिवर सेक्टर पर मैं जॉब करता हूँ। तो केयर गिवर को लेकर बहुत सारे बातें और बहुत सारे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिला है, जो कि मैंने 56 भाई के वीडियो के लेके एक दो बातें उनको सजेस्ट किया था। तो बहुत सारे भाई लोग उल्टा पुल्टा कमेंट किए, तो मैं उन लोगों को भी आने वाले वक्त पे कोशिश करूँगा ये सब चीज़ों के लेके कन्विंस करने के लिए। तो अभी हम लोग वो बातें नहीं करेंगे। तो आज सुबह देखिए नज़ारे। तो दोस्तों, मैं मॉर्निंग वॉक के साथ साथ ही जो भी आप लोगों का क्वेश्चन है और जो भी इसराइल से रिलेटेड, इसराइल में जो भी बातें अभी हो रहा है, चल रहा है, वो सब चीज़ों के लेके मैं डिस्कस भी करूँगा आप लोगों के साथ। मेरा ये मकसद है कि मैं सिर्फ एक्सरसाइज करूँगा, मॉर्निंग वॉक हर रोज़ आपको दिखाऊँगा, बोरिंग हो जाओगे आप लोग भी, ऐसा नहीं है। मैं हर रोज़ कोशिश करूँगा यहाँ के बारे में और इधर इसराइल के रिलेटेड जो भी कुछ बातें और हर एक सेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। तो गाइस, ये चेक करें, ये जो हरा हरा भरा दिख रहे हो आप लोग, ये रोजमेरी मस्त है, रोजमेरी चेक करो गाइस। और ये एक हर्ब्स है जो कॉन्टिनेंटल खाने में, डिश में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। पास्ता हो गया आपका, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। वैसे तो आप लोग को मालूम ही रहेगा। दोस्तों, आप लोग चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी मैं मेरा घर से अराउंड 2 किलोमीटर आ चुका हूँ। इस जगह को मैं अब पहले भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मगर इस जगह में वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। तो एक मैप आप लोगों के लिए दिखाऊँगा, ये चेक करो गाइस। वाओ, कितना मस्त है ना, चेक करो, पुराने ज़माने का है पूरा। तो यहाँ पर दिखा है, पूरा मैप दिया हुआ है। तो ये जो सिटी आप लोग देख रहे हो, रोमन थिएटर, तो अभी हम लोग है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ENF इस पॉइंट पे। तो ENF में क्या है, क्रूसेडर वॉल प्रोमेंडेड है एक तो रोमन मॉस्क, या मॉस्क मतलब क्या, हाँ यहाँ पर एक मंदिर, यहाँ पर चेक करना गाइस इस पॉइंट को। तो इस जगह को ना मंदिर भी है यहाँ पे गाइस। तो हर रोज़ मैं कोशिश करूँगा ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पर है मंदिर है, तो मैं इस साइड नहीं जाऊँगा आज मैं जाऊँगा फिर से रोमन सिटी की ओर, कैसेरिया के सिटी की ओर जाऊँगा जो कि इस तरफ है। तो दोस्तों,
सुबह सुबह का जो नज़ारा और सुबह का जो वाइब्स रहता है ना, वो अलग रहता है। वाओ, मैंने देखा नहीं, ये चेक करे। वाओ, कितने सारे हैं ना। चलो देखते, नज़दीक से देखते देखते देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जगह मैं क्यों बार बार रेकमेंड करता हूँ, ये चेक करो। समुंदर से अटैच हुआ है ये जगह। और उसके साथ साथ ही अभी बहुत ही सुबह के टाइम में चिल्ड हवा भी चल रहा है। और ये चीज़ चेक करो गाइस, वाओ। जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो जगह है केसरे स्कूबा डाइवर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लोग स्कूबा के लिए रेडी हो रहा है। ये चेक करो, ये पीला वाला जो भी है, सब लोग स्कूबा के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर आप लोग स्कूबा करना चाहते हो ना, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है ये। सुबह के टाइम में बिल्कुल अच्छा रहेगा। और ये जितने भी है, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर हम लोग पहुँच गए किस एरिया में, तो ये चेक करो। मेरे घर से सिर्फ दो किलोमीटर दूर। हाय, सो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, तो चेक करना दोस्तों। आप लोग भी आओ, इस जगह को एक्सप्लोर करो। और रहने और खाने का सब कुछ एरिया है, हर चीज़ आप लोगों को मिलेगा, हर वो चीज़। चेक करो, बहुत पुरानी पुरानी इमारत है। यहाँ से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और दोस्तों, अभी ना बहुत सारे लोग का क्वेश्चन है कि भाई ये एग्रीकल्चर का क्या सीन है। तो वैसे तो मैं बहुत बार आप लोगों को रिप्लाई भी दे चुका हूँ, एग्रीकल्चर नहीं है गाइस, एग्रीकल्चर बंद हो चुका है। एग्रीकल्चर को लेके आप लोग किसी भी एजेंट के ऊपर भरोसा मत करो। एजेंट बोलेगा मैं बना के देगा आप लोगों को, विजिट वीज़ा में लेके मैं यहाँ पे काम दिला देगा, ऐसा नहीं चलेगा गाइस, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। विजिट वीज़ा में आने के बाद यहाँ पे काम नहीं मिलेगा गाइस। विजिट वीज़ा 3 महीने के लिए मिलेगा, उसके बाद गांव ख़त्म गाइस। दोस्तों ये चेक करो,
पुराने ज़माने में का सुरंग है, ये मेंटेन चल रहा है अभी। ज़मीन के अंदर रास्ता, तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट केसरिया के लास्ट पॉइंट पे। तो यहां से मैं एग्जिट करूंगा समंदर के रास्ते होके और निकल जाएंगे अपने किबुज की ओर। और किबुज यहां पे बस दूरी पास 5 मिनट की दूरी पे। तो मॉर्निंग वॉक करने के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही परफेक्ट। हाय सलाम। सो अगर आप लोग भी इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो गाइस ज़रूर आना। यहाँ पे चेक करें, दो फॉरेनर्स है, ये लोग एक्सप्लोर कर रहे इस जगह को। इतिहास बन के रह चुका है गाइस ये जगह। तो दोस्तों मैं इसीलिए बोलता हूँ, लाइफ में ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखो उस टाइम का इतना बड़ा एम्पायर जो चलाते थे, अभी वो कहाँ चले गए। मगर ये चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, अच्छा कर्म, अच्छा काम करना चाहिए, ताकि आने वाले इतिहास हमें याद रखे। चेक करो दोस्तों, वाह, ये जगह भी आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ, पत्थर से करो वहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली मैं इस जगह पे आ चुका हूँ, और वहाँ से होते होते आया था, तो आप लोगों को मालूम है ये जगह के बारे में। तो अभी आज मैं थोड़ा स्विमिंग करूँगा, मेरा हालत चेक करें, बहुत थक चुका हूँ, तो स्विमिंग करेंगे। तो मेरा एक सब्सक्राइबर बार बार पूछ रहे थे होटल एंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में, तो आप लोगों को जल्दी मैं खुशखबर देने वाला हूँ, खुशखबरी जो होटल को लेके। तो यहाँ पर भी गाइस इसराइल में मैं अभी, अगर आप लोग पास हुनर है मगर क्वालिफिकेशन मिनिमम 10 पास होना चाहिए, और आप लोगों को फ्लुएंसी आना चाहिए थोड़ा बहुत, और काम तो आना ही चाहिए। तो होटल के लिए भी आने वाले वक्त में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आने वाला है। तो आप लोग मेरा सब्सक्राइबर प्लीज़ आप लोग रेडी रहना गाइस, मैं आप लोगों को जितना हो सके कोशिश करूँगा ये सब सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए और सही गाइडेंस करूँगा। तो देर किस बात की, आप लोग प्रिपेयर होके रहे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा आप लोगों को, ये चेक करें, सब लोग इन्जॉय कर रहे। तो अभी मैं थोड़ा पानी के अंदर जाऊँगा स्विमिंग करने के लिए 10-15 मिनट, उसके बाद निकल जाते हैं घर के लिए। 7:30 हो चुका है गाइस। तो दोस्तों अभी स्विमिंग करके भी हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट डे, नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरा डे 2 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू गाइस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। तो अगर आप लोग ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे। जय श्री राम।